बाजार यहाँ पर लगभग 6-7 सेशंस तेजी के जो लगातार देखे बाजार ने, लगा ही था बस 20,000 का स्तर जो है उसको पार कर जाएगा, लेकिन वहाँ से अब उम्मीदें टूटती हुई और आज की कमजोरी कितनी गहराती हुई आप देख रहे हैं। देखिए, पूरी तरह से आईटी ने नीचे खींचा है बाजार को और अब वीकेंड में और आज शाम से ही बड़े नतीजों का आगाज आना शुरू हो जाएगा। क्या मोमेंटम में तब्दीली हो सकती है अगर मैं अगले हफ्ते के आगाज के लिहाज से समझना चाहूँ तो? और निरंतर ऊपर के तरफ के दायरे देखने बाद आज थोड़ी बहुत मामूली सी गिरावट हम देख रहे हैं। और मैं ये गिरावट आपको आंकड़ों में देखने की दरखास्त ये करूंगा कि आप आंकड़ों में मत दिखिए, ये गुजारिश है। आप प्रतिशत में देखिए, 19,000 20,000 के हम गए थे, 8 पॉइंट की कमी रह गई थी 20,000 के उस आंकड़े को छूने के लिए निफ्टी को। लेकिन अगर आप निफ्टी का स्तर देखें और सेंसेक्स का स्तर देखें और इस गिरावट को आप प्रतिशत में देखें तो महज 1% से थोड़ी बहुत ज्यादा गिरावट है। अब 1% की गिरावट से अगर आप घबरा जाते हैं शेयर बाजार में तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा आत्मचिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये भी देखना है कि पिछले 10-15 दिनों में या फिर हफ्ते 2 हफ्ते में किस प्रकार से बाजार ने आपको ऊपर के तरफ के दायरे दिखाए हैं। और ये भी वास्तविकता है कविता, के जून के 30 तारीख को हम 19,000 के आसपास थे और कल जो तारीख थी उसमें हमने 20,000 का भी स्तर के आसपास देखा है, 19,991 या 92 ऐसा कुछ स्तर देखा था। तो ऐसी तेजी के बाद अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती भी है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ना ही किसी को शिकायत करनी चाहिए। उल्टा ये मौका है उन सब लोगों के लिए जो निवेशक मौका चूक गए थे बाजार में निवेश करने का, उनको ये मौका देते हैं आकर के निवेश करने के लिए बाजार में लंबी अवधि में अच्छी कंपनियों में। जो आपने आईटी की सेक्टर का जिक्र किया और इंफोसिस के बारे में जो बात की, अब गाइडेंस पहले जो 4 से 7% थी उसको कम करके 1.5 से 4% किया या 3% किया। अब स्वाभाविक है इतना नीचे अगर गाइडेंस आता है तो आपको, और वो भी दिग्गज आईटी कंपनी, तो आपको गिरावट थोड़ी बहुत हावी हुई दिखेगी। और आईटी सेक्टर का वेटेज भी कुछ ज्यादा है निफ्टी में, इस कारण भी आप थोड़े बहुत नीचे के तरफ के दायरे देखते हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि आप अगर 3-4-6 महीने का नहीं सोचते और अगर आपके पास 1.5 साल का नजरिया है तो ये जो 4-5-6-10% का करेक्शन हम आईटी शेयर्स में देख रहे हैं वहां पर आप धीरे धीरे करके निवेश शुरू कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए।